इनकी दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल देंगे। अगर दिल्ली की जनता ने इस बार साथ दिया तो दिल्ली का इतिहास बदल देंगे। देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जो बीजेपी का भगवान है, और देश के सबसे पहले आजादी के शहीद महात्मा गांधी यहीं पर आराम कर रहे हैं। दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, तिहाड़ से आया हुआ व्यक्ति अपने आप को राम कह रहा है। अशोक गहलोत हनुमान हो गए हैं और आतिशी मरलेना खुद को भरत कहने लगी है। देखिए, इस वक्त न्यूज़विन की जो टीम है वो कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा में मौजूद है। दिल्ली न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। दिल्ली अब और नहीं सहेगी, इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये देखिए, कांग्रेस फिर से दिल्ली मांगे न्याय, न्याय नहीं चाहिए धाएं धाएं। आपका नाम संदीप मिश्रा जी? मैं संदीप मिश्रा हूँ। और देखिए, आज अभूतपूर्व न्याय यात्रा देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। ना भूतो ना भविष्यते। देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जो बीजेपी का भगवान है, और देश के सबसे पहले आज़ादी के शहीद महात्मा गांधी यहीं पर आराम कर रहे हैं, इसी जगह से ये न्याय यात्रा निकल रही है। इसी बात का निकल रही है कि आज की दिल्ली की गलियों में आप देखिए, जहां भी कोई फिरौती वाला गोली चलाता हुआ, तमंचा लहराता हुआ देखा जा सकता है। मैंने इस स्लोगन में यही लिखा है कि दिल्ली मांगे न्याय, न्याय नहीं चाहिए धाएं धाएं। आज दिल्ली के लोगों को स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की वो सरकार याद आ रही है, वो काम याद आ रहे हैं, वो उनके बनाए हुए सड़कें, फ्लाईओवर, सिग्नेचर ब्रिज याद आ रहा है, वो लाडली योजना, भागीदारी की योजनाएं याद आ रही है। कहते हैं ना, शीला जी के बनाई सड़कों की आज रिपेयर कराने की भी हिम्मत केजरीवाल सरकार में नहीं है। लोग फिर से न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सबको जोड़ेगी, सबके साथ जुड़ेगी, कांग्रेस बढ़ेगी। और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की आजादी लेके आई। कह रहे हैं कांग्रेस जोड़ेगी, लेकिन जो तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो कह रही है कांग्रेस पहले खुद को तो जोड़ ले। कांग्रेस जुड़ी हुई है, कांग्रेस का कहां खंडित है? अब जिनके आंख में मोतियाबिंद है, मोदियाबिंद है, उन्हें तो दिखेगा ही नहीं। जैसे मोदी जी हैं, एक घंटे का भाषण देंगे तो 150 बार कांग्रेस 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 की माला जपते हैं। उन्हें कांग्रेस से इतना डर लगता है मोदी जी को कि देखो राहुल आ रहा है मेरी कुर्सी लेके जाएगा, देखो कांग्रेस ही आ रहे मुझे कुर्सी से उतार देंगे। तो ये भयभीत ये जो भय मुक्त भारत बनाने के लिए ये न्याय यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने की थी, उसका देश के दिल दिल्ली में आज आगाज होने जा रहा है। देश के दिल दिल्ली के लोग और राहुल गांधी के सिपाही देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालने वाली यात्रा? निस्संदेह, जब कहते हैं ना संसद गूंगी हो जाती है तो सड़कों को आवारा होना पड़ता है। आज सड़कों पर शोर है। आज देखिए, देश का दुर्भाग्य और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, तिहाड़ से आया हुआ व्यक्ति अपने आप को राम कह रहा है, तिहाड़ का से निकला हुआ मदुरा मंत्री अपने आप को लक्ष्मण कह रहा है, तिहाड़ से निकले हुए लोग अपने आप को राम के चरित्र में और राम के किरदार में, अशोक गहलोत हनुमान हो गए हैं और आतिशी मरलेना खुद को भरत कहने लगी है। ये नाटक नौटंकी रामलीला करने वाले लोगों ने दिल्ली को छला है, ठगा है, दिल्ली को भ्रमित किया है। अब इनकी झूठ और लूट की पोल खुल रही है, भ्रष्टाचारियों से दिल्ली त्राहिमाम कर रही है और छुटकारा मिलेगा। निस्संदेह हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में अपना पैगाम देंगे और जनता ही आखिरी अदालत है जो सत्ता तक पहुँचाती है। हमें उम्मीद है लोग फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस का आज कायम करेंगे। आप क्यों जुड़े इस यात्रा? हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हाँ, जिला फतेहपुर, कांग्रेस महासचिव रामकरण शर्मा। ये जो 10 साल की इनकी सरकार है, ये सारी दुनिया देख चुकी है। जो सिर्फ जो जुमलेबाज हैं वही बचे हैं, नहीं तो इनका सब देख लिए कि 2 करोड़ साल में नौकरी किसान की आय दुगनी, आज क्या हो रहा है देश के अंदर कि 72% युवक बेरोजगार घूम रहा है, देश में महंगाई चरम सीमा में हो रही है, हर जगह पे इनकी तानाशाही चल रही है। तो अब नहीं दिल्ली की जनता सहना चाहती है, देश की जनता भी इनकी तानाशाही नहीं चाहते, इनको उखाड़ के फेंक देना चाहती है। इनकी दानवता को, ये मोहब्बत की दुकान है राहुल जी की, इनकी दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल देंगे। अगर दिल्ली की जनता ने इस बार साथ दिया तो दिल्ली का इतिहास बदल देंगे। आपका नाम और आप क्यों जुड़े हैं? मेरा नाम भारत कौशिक है, मैं कांग्रेस के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष प्लस रोहतास नगर BLA 1 हूँ। मैं इस यात्रा से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि जैसे आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा कि आज के टाइम में जो हमारी दिल्ली सरकार है वो कहती है कि शिक्षा का एक मैंने मॉडल बनाया है, शिक्षा के मॉडल की जगह आप देखेंगे तो आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दारू की बोतलें हैं, वे नशे के अंदर इतने चूर हैं कि वो आज रोडों पर जो कत्लेआम मचा हुआ है
अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक 16 साल का लड़का अगर किसी 16 साल के लड़के को चक्कू से गोद देता है तो यही क्या शिक्षा है? और यही हमारे देश के अंदर जो अनुशासन और कानून है उसकी सारी धज्जियाँ उखाड़ी गई हैं। और दिन दिहाड़े आज के टाइम में कहीं भी चलते हुए किसी को भी गोली मार दी जाती है, किसी के भी साथ लूट लिया जाता है, और शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है, फ्री के नाम पर गंदा पानी दिया जाता है, और शिक्षा कुछ नहीं है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। और आप देखिए, फ्री नहीं है कि एजुकेशन तो फ्री हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट में सेकेंडरी लेवल तक नहीं है बताइए? ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है। दिल्ली तो वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, दिल्ली में तो फ्री। क्या बिहार में फ्री नहीं है? बिहार तो पुअरेस्ट स्टेट है। बिजली पानी तो जनता से ही तो लेके देती है, बिजली पानी को भी तो फंसा कर रखा है, इसने कोई जॉब क्रिएट किया? दिल्ली जो है, दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के। आपने व्हाइट कॉलर जॉब जो सर्विस सेक्टर में आया, कोई केजरीवाल इतने बोलते हैं हमें IITN है, कोई जॉब का क्रिएशन व्हाइट कॉलर में जो जॉब आया सर्विस सेक्टर में हिंदुस्तान में, कोई जॉब दिल्ली में है बताइए? कोई कंपनी खोला? ठीक है वो तो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है, जब बेंगलोर में खुल सकता है, हैदराबाद में खुल सकता है, चेन्नई में खुल सकता है, तो व्हाई नॉट इन दिल्ली? है यहाँ पे NSIT है, यहाँ पे Delhi IIT है, यहाँ पर DTU है, बच्चे इसको क्या नौकरी? हम लोग के बच्चों को अब सबको बाहर जाना पड़ता है। ये तो खाली एक पानी बिजली का एक मॉडल बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा अब वो केजरीवाल जो है, अब तो केजरीवाल में भी वो ताकत नहीं, उस पार्टी छोटी BJP से जो चाहे कभी ये रूप बदल दिया, कभी वो रूप उतरने की, BJP केजरीवाल को BJP से लड़ने की ताकत नहीं है, उसके लिए चाहिए बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस है। तो कांग्रेस की पार्टी यदि अपोजिशन में भी है तो देखो उससे जो कौन लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, बीजेपी से डायरेक्टली कौन लड़ रही है? कांग्रेस ही तो लड़ रही है। तो देखिए ये न्याय यात्रा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि दिल्ली की जनता के दिल में कांग्रेस पार्टी विश्वास बना पाती है या फिर नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी अनूप के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ 3 के लिए नमस्कार।